स्वागत है आपका फैक्ट वेरीफाइड हिंदी की एक और वीडियो में। सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग तो आपने कई बार देखी होंगी, जहां पर गाड़ियां ट्रेन गुजरने का इंतजार करती हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में एक ऐसी रेलवे क्रॉसिंग भी है जहां पर गाड़ियों को नहीं बल्कि जहाज को वेट करना पड़ता है। रेलवे सिस्टम आज से लगभग 200 साल पहले इन्वेंट हुआ था, और क्योंकि उस टाइम में ट्रांसपोर्ट का और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, इसी वजह से ये तकनीक सारे देश अपनाने लगे और जल्दी जल्दी रेलवे ट्रैक बिछाने लगे। रेलवे ट्रैक को इंस्टॉल करते टाइम ये चीज बहुत जरूरी होती थी कि जिस जगह रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है वो जगह बिल्कुल प्लेन हो, ताकि ट्रेन वहां से आसानी गुजर सके। लेकिन कई ऐसी जगहें भी थी जहां पर रेलवे ट्रैक बिछाना इतना आसान नहीं था। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं बहते नाले, आज आप देखेंगे दुनिया के कुछ ऐसे ही अमेजिंग रेलवे ट्रैक्स। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 7। दुनिया का सबसे ज्यादा स्पीड रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड में मौजूद है। ये रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड के एक छोटे गांव अल्पेनेज डेट से स्टार्ट होता है, जिसकी हाइट 404 मीटर है, लेकिन इसकी डेस्टिनेशन माउंट पिलेट्स है, जिसकी हाइट 2100 मीटर है। यानी ये ट्रेन लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई सिर्फ 4.6 किलोमीटर के ट्रैक में कवर करती है। अब क्योंकि एक आम ट्रेन के व्हील्स में कोई ग्रिप नहीं होती और वो इतनी ज्यादा चढ़ाई पर स्लिप हो सकती है, इसी वजह से इस रेल कार के व्हील्स गियर की मदद से स्पेशल तरीके से डिजाइन किए गए थे, ताकि चढ़ते और उतरते वक्त रेल कार स्लिप ना हो सके। 1889 में लॉन्च होने वाली ये रेल कार पहले स्टीम इंजन से चलती थी, लेकिन 2012 के बाद इसमें इलेक्ट्रिक इंजन लगा दिया गया। नंबर 6। न्यूजीलैंड में किसबॉर्न मैन के नाम से एक छोटा शहर है, जहां का एयरपोर्ट बहुत ही अनोखा है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे को एक रेलवे लाइन क्रॉस करती है। इस एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर सिर्फ पायलट से कॉन्टैक्ट में नहीं रहता, बल्कि यहाँ का कंट्रोल टावर रेलवे टावर से भी कॉन्टैक्ट में रहता है। अगर प्लेन लैंडिंग के काफी करीब होता है तो ट्रेन को रोक दिया जाता है, या फिर टेक ऑफ से पहले प्लेन को इंतजार करने को कहा जाता है। रनवे की जिस जगह से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है उसको स्पेशली ऐसे डिजाइन किया गया है कि जहाज की लैंडिंग के वक्त कोई हादसा ना हो। असल में ये रेलवे ट्रैक तो पहले से ही यहाँ मौजूद था, लेकिन बाद में इसी जगह पर एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का फैसला किया गया था, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए किस पॉन में और कोई जगह सूटेबल नहीं थी। नंबर 5। स्विट्जरलैंड अपने खूबसूरत पहाड़ों और ग्रीनरी की वजह से काफी पॉपुलर है। इन माउंटेन पे रेलवे ट्रैक बनाना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 5270 फीट की ऊंचाई पर मौजूद जस्मत नामक एक छोटा शहर है, यहाँ से लेकर ऑल द सेंट मोरेस तक एक खूबसूरत रेलवे ट्रैक 291 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर एक वक्त में सिर्फ एक ही ट्रेन चल सकती है, जिसको ग्लेशियर एक्सप्रेस कहा जाता है। पहाड़ों और स्नोफॉल की वजह से यहाँ ट्रेन बहुत स्लो चलती है, और ये पूरा सफर 8 घंटों में होता है। इसी वजह से ग्लेशियर एक्सप्रेस दुनिया की सबसे स्लो चलने वाली ट्रेन भी कहलाती है। इस पूरी यात्रा में ट्रेन पहाड़ों के अंदर बने नजदीकी वन टनल में से गुजरती है। यहाँ का टनल फुल्का टनल कहलाता है, जो 6 किलोमीटर लंबा टनल है, और इसी सफर के दौरान ट्रेन एक ऐसे पुल से भी गुजरती है जो 450 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। नंबर 4। जहाँ दूसरी कंट्रीज में ट्रेन ट्रैक के ऊपर चलती है, जापान में एक ऐसा रेल नेटवर्क भी है जहाँ पर ट्रेन ट्रैक के नीचे चलती है। यह अपनी तरह का पहला रेलवे सिस्टम था जो जापान में लॉन्च किया गया। 1968 में लॉन्च होने वाला ये ट्रैक दो एरियाज को आपस में मिलाता है, जिसको कोनन मोनोरेल नेटवर्क कहा जाता है। इस ट्रैक की लंबाई सिर्फ 65 किलोमीटर है, और ये ट्रेन टोटल 7 स्टॉप्स पर रुकने के बावजूद भी यात्रियों को स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग तक सिर्फ 14 मिनटों में पहुंचा देती है। नंबर 3। स्विट्जरलैंड में ही एक पॉइंट ऐसा भी है जहां पर ट्रेन को फ्लैट जमीन से एक पहाड़ी पर चढ़ना होता है, क्योंकि ट्रेन इंजन इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते कि वो इतनी ज्यादा चढ़ाई पार कर सकें। इसी वजह से ये वायडेक बनाया गया था, जिसको ब्रूनो स्पाइरल वायडक कहा जाता है। 1903 में लॉन्च किए जाने वाले इस स्पाइरल ब्रिज का मकसद था कि ट्रैक की हाइट को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। इस स्पाइरल ट्रैक की मदद से ट्रेन 20 मीटर की ऊंचाई को बहुत ही कम डिस्टेंस में पार कर लेती है, और इस तरह का स्पाइरल ट्रैक पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। नंबर 2। 400 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक थाईलैंड के शहर बेनपोंग से स्टार्ट होता है, और बड़ी बाकी शहर अध्ययन व्यू जहां पर खत्म होता है। वैसे तो ऑफिशियली इसका नाम बर्मा रेलवे है, लेकिन असल में ये डेथ रेलवे के नाम से मशहूर है। इसको डेथ रेलवे इस वजह से नहीं कहा जाता क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आर्मी ट्रूप को खाना और वेपन सप्लाई करने के लिए एम्पायर ऑफ जापान ने ये ट्रैक बनवाया था, लेकिन इसको बनवाने में 1 लाख से भी ज्यादा वॉर प्रिजनर्स को इस्तेमाल किया गया। ये माना जाता है कि 415 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक जल्द से जल्द बनवाने के लिए वॉर प्रिजनर्स पे इतना जुल्मों सितम किया जाता था कि इनमें से 50% से भी ज्यादा वकज मौके पर ही मर गए, जिनको वही ट्रैक के बराबर में दफन कर दिया जाता था। और अब नंबर 1 यूएसए की स्टेट ओहायो में नेपोलियन और डिजान के समीप बना हुआ रेलवे ट्रैक दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक माना जाता है, जहां ट्रेन्स को बिल्कुल सीधा ट्रैक चाहिए होता है। वही इस रेलवे ट्रैक का काफी हिस्सा बहुत ज्यादा टेढ़ा और ऊपर नीचे है, जहां से ट्रेन का गुजरना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों है और इसको ठीक क्यों नहीं किया जाता,
असल में इस ट्रैक का जो हिस्सा जंगल से गुजरता है वहाँ जमीन गीली है और इसी वजह से ट्रैक जमीन में बैठ गया है। इस ट्रैक को रिपेयर करने की बहुत कोशिशें की गई हैं लेकिन नरम जमीन होने की वजह से यह हल नहीं हो पा रहा। बस यही वजह है कि यहाँ से गुजरते वक्त ट्रेन अपनी स्पीड बहुत कम कर लेती है। दोस्तों, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट वेरीफाइड हिंदी को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।